ने कहा कि ये नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। गोली चलाने वाले के बारे में इस वक्त कुछ मालूम नहीं। देखिए, ट्रंप को तो बिल्कुल पता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हिंदुस्तान अग्री करे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड एक विश है चाइना की कि कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं, ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। और जब इन्हें लगा कि आएगा तो ट्रंप ही, जैसे मोदी जी तो आएंगे तो मोदी ही। देखिए, डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करवाया है, बड़ा खौफनाक किस्म का हमला है, और डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा से स्नाइपर से शूट करवाया गया है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में जहां पर ये खिताब कर रहे थे वहां पर ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 फीट की दूरी पर बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर ये स्नाइपर बैठा था। तो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर, तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में जैसे ही उसको शूट किया गया है, 1 मिनट के बाद यहाँ पर न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि चाइना ट्रंप को लाइक नहीं करता, ट्रंप ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है। तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल नाखुश है हमारे साथ, तो वो अब हिंदुस्तान के साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है और वो वाजे कर दिया है कि हम हिंदुस्तान के, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ हर वक्त खड़ा रहेगा, और हमने वाजे कर दिया है कि हमारी दोस्ती चीन के साथ है। क्या चाइना ने कोई कोशिश नहीं करी मोदी जी को हराने के लिए? कोई पैंतरा ऐसा नहीं था जिसे यूज ना किया गया हो? ये क्वेश्चन जो है वो बताता है कि इट्स अ हॉरिफाइंग सिचुएशन फ्रेंकली स्पीकिंग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है या जो अमेरिका की जो रिपब्लिक है, हैज इट बिकम फ्रेजाइल? अमेरिकन डेमोक्रेसी इज दिस इन डिके? दुनिया इस पे लिख रही है इस वक्त कि अगर ट्रंप 2020 में आ गया होता तो चाइना शायद नाम का कंट्री ही नहीं होता। चाइना की आधी से ज्यादा कंपनियां चाइना से बाहर निकलकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पे एक जानलेवा हमला हुआ था। बताया जा रहा है अगर ये हमला सक्सेसफुल होता और ट्रंप प्रेसिडेंट आगे जा के ना बनते तो इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होता, क्योंकि इसके पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो चाइना की इकोनॉमी को ऐसा बर्बाद किया था, इतने चाइना के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाया था कि चाइना की इकोनॉमी ऐसी गिरी कि आज तक संभल नहीं पाई। साथ ही में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में ऐसा वादा किया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो चाइना पे वो और बड़े टैरिफ लगाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए चीन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो चीन छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की भी हालत बहुत खराब है। इससे पहले भी चाइना ने भारत में पीएम मोदी को रोकने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी को हटाने में नाकाम हो गए। इन्हीं सबको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अभी से ही धमकी लगाना शुरू कर दिया है और चाइना के बुरे वक्त शुरू होंगे ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। देखिए, जो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर, तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में जैसे ही उसको शूट किया गया है, 1 मिनट के बाद यहाँ पर न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो गई थी, जबकि फॉरेन की न्यूज इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आती है, उसे सेंसर किया जाता है, लेकिन ट्रंप के बारे में न्यूज फैलाई गई और 1 घंटे के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज है कि ये तो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रंप को लाइक नहीं करता, ट्रंप ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है। थोड़ी सी ट्रंप ने लगाई, बाकी आपने लगा दी पैसे ना देकर। तो ये जो दो रीजंस है जिसके कारण चाइना लाइक नहीं करता ट्रंप को, और यहाँ पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रंप का खुद ही कराया हुआ है काम, ताकि एक सिंपथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। भाई, ट्रंप ऑलरेडी पॉपुलर है, बाइडन हारते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिंपथी वेव लेने की जरूरत क्या है, समझ नहीं आती। दैट मींस कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप वापस आए, यूरोप भी नहीं चाहता कि ट्रंप वापस आए। क्यों? ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही दो काम करूंगा, मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में, और दूसरा ये काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इसराइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा। अब वो इतने दावे के साथ क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है कि जब पहले भी वो आए थे, ही इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट जो जब प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने युद्ध बंद करवाए हैं, चलाए नहीं है। सीरिया का वॉर खत्म कर दिया, अफगानिस्तान का खत्म कर दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ स्यापे खत्म कर दिए, तो जहां जहां पर भी युद्ध थे वो सारे उन्होंने खत्म किए। इसलिए अब भी वो दावे से बोल रहे हैं, और इसलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो
युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। ये हालत है। अब ये सारी चीजें क्यों हैं, ये आप भी समझते हैं कि ट्रंप ने 2 साल तो पहले बर्दाश्त किया चाइना को, इनको बोलता रहा कि भाई तुम करेंसी की जो मैनिपुलेशन करते हो, एक्सचेंज रेट की, उसको बंद कर दो। जो तुम ये टैरिफ्स लगाते हो हमारे ऊपर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो टैरिफ्स हैं वो 2.5% थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर चाइना अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका में लगेगी। सेम चीज अमेरिकन कंपनीज के लिए था, उनके ऊपर भी 2.5% लगता था। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता ओबामा के टाइम पर वो बिंदी निकाल दी। अगर अमेरिका चाइना में कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो 25% चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन चाइना अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है तो वो 2.5 ही था। चाइना ने उसे बिंदी हटाई है, ओबामा ने उफ तक नहीं करी। ट्रंप ने आते हुए पहले 2 साल तो नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि भैया वो बिंदी वापस डाली जाए, नहीं डाली तो ट्रंप ने भी वो बिंदी हटा दी, उसने भी 25% कर दिया। उसके बाद ऐसी वाट लगी है चाइना की कंपनीज की, आज तक इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई है। आज 6 साल हो गए, बाइडन का इतना ज्यादा सपोर्ट करने के बाद भी चाइना खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बिंदी दोबारा से डालनी इम्पॉसिबल है जो ट्रंप निकाल के जा चुके हैं। तो इसलिए चाइना कभी भी चाहेगा नहीं कि ट्रंप कभी भी दोबारा से प्रेसिडेंट बने। ये तो चाइना में एक ओपन सीक्रेट है, ओपनली लोग बात करते हैं कि अगर ट्रंप 2020 में आ गया होता तो चाइना शायद नाम का कंट्री ही नहीं होता। क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है ये नहीं कि ट्रंप ने कोई युद्ध करना था चाइना के साथ, जो पाकिस्तान को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड मिलती थी उसने आकर बंद की थी, उसके बाद ही पाकिस्तान दिवालिया हुआ है। तो उसने सारे जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर दिया था एक एक करके, और इसलिए उसे हटाने के लिए ये लगे रहे। अब ट्रंप ने करना क्या था, चाइना एक ड्रैगन है जिसे भूख बहुत लगती है, और इस ड्रैगन को बचने के लिए, भूख मिटाने के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर चाहिए। ट्रंप ने इनके एक्सपोर्ट्स ही बंद कर दिए, ड्रैगन भूखे मर रहा था। और अगर 4 साल और मिल जाते ट्रंप को 2020 से 24 तक, तो ये भूख के मारे ये भीख मांग रहे होते चाइनीज, और अपनी गवर्नमेंट को उखाड़ कर ये खुद ही फेंक देते। और रेजिम चेंज में तो अमेरिकन्स वैसे भी पूरी दुनिया में माहिर हैं, तो ये जब अंदर से भूख लगी होती है, हांगकांग में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, चाइना में और एरियाज में भी प्रोटेस्ट की तैयारियां थी, यानी कि चाइना अपने ही भार के नीचे दबके मर जाता। इसीलिए ट्रंप इज ऑलवेज सीन इन अ नेगेटिव वे इन चाइना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मैं चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर्स हैं, जिसके ऊपर चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% कर दूंगा। बाइडन ने भी वो सुना कि भी अगर ये चीज हो गई है तो ही इज बिकमिंग पॉपुलर। बाइडन ने भी 100% अनाउंस कर दिया कि मैं 100% इंपोर्ट ड्यूटी चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने वाला हूं। ट्रंप ने बोल दिया अगर बाइडन ने 100 लगाया है, मैं आऊंगा तो 200 कर दूंगा। अभी तो वो प्रेसिडेंट बना नहीं है। उसकी इसी स्टेटमेंट के साथ चाइना की आधी से ज्यादा कंपनियां चाइना से बाहर निकलकर दुनिया भर में उन्होंने फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। 2024 में 90,000 से ज्यादा हाई नेटवर्थ बिलियनर्स, जिसको बोलते हैं हम, वो चाइना को छोड़कर दुनिया भर में सेटल होने शुरू हो गए हैं कि ट्रंप आ रहा है। ट्रंप के आने का खौफ इतना है कि लोगों ने अपने पैसे चाइना से निकालकर दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए।